हाय दोस्तों, नीचे गाड़ी से परेशान हो घबराइए मत, आइए सोल्यूशन हमारे पास है, बने रहिए हमारी वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश खत्री, राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल, चंद्र विहार, दिल्ली से आज हम लेके आए हैं बिल्कुल नई वीडियो आपके सामने। इसमें कोई हम सर्विस नहीं करने वाले हैं, कुछ बिल्कुल नई चीज जो अब तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं दिखाई होगी। एक्चुअली आजकल जो सेडान कार में प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा, ये नीचे से अड़ती है। और हम आमतौर पे क्या करवाते हैं, इसमें पीछे से या तो इधर से गुटके डलवा लेते हैं, गाड़ी पीछे से हो जाती है, आगे से नीची रहती है। और बार बार गाड़ी हमारी गड्ढों में बहुत ज्यादा अड़ती है। बम्पर भी आप एक बार देख सकते हो, इसका आगे से अड़ अड़ के काफी ज्यादा खराब हो चुका है। कुछ टाइम पहले भी ये गाड़ी आई थी, इसकी सस्पेंशन की नॉइस नहीं जा रही थी, वो करने के बाद अब कस्टमर की चॉइस है, इसको भाई किसी तरह से आगे से ऊंची कर दीजिए। मैं एक बार टायर प्रोफाइल भी इसकी दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड टायर डला हुआ है इसमें, कोई ऊंचा टायर नहीं है, 185/60R15। तो इस गाड़ी को हम आगे से भी ऊंची करेंगे, इसको पीछे से भी एक जैसी करेंगे। अभी मैं एक बार इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस चेक करा देता हूँ। एक्चुअली सेडान कार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, और इसी वजह से सारे क्रेटा और ब्रिजा वगैरह पे ज्यादा चेंज हो रहे हैं, इन गाड़ियों को लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये। तो हमने दोस्तों एक बार फीते से अगर ऐसे हम माप रहे थे तो ढंग से नहीं हो पा रहा था ये, तो हमने ये ना डंडी पहले से ही तोड़ ली है। और इसको बम्पर के यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने दोनों डंडी अपने स्केल के साथ में रख दी हैं, और मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूं तो जो हमारा जो नीचे से जो था डंडी, उसकी हमारी जो आ रही है ग्राउंड क्लियरेंस, वो आ रही है 173। मैं आपको से इनटू और इसमें से ये थोड़ी कम है, माइनस में यानी कि 173 mm। और जो बड़े वाली है इसकी जो हमारी आ रही है, इसकी मैं आपको जो साइड में बम्पर की जो प्रोफाइल वहां से मैं दिखा देता हूँ, इंटू वन 193। तो जो बम्पर की साइड से 193 है और जो नीचे से है 173 है। तो इसकी बढ़ने के बाद देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितनी बढ़ जाएगी। तो लगभग वैसे 20 से 22 mm हमारी जो हाइट है वो बढ़ेगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी इसको सोकर खोल के, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं और गाड़ी को इसके ना। दोस्तों इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें मैं आपको एक चीज मिस कर गया था, इसमें एक्चुअली ना क्वाइल पैड पहले से लगे हुए हैं पीछे से, तो पीछे ये क्वाइल पैड हम नहीं डालेंगे, केवल हाइट होगी हमारी, आगे से ही हाइट को बढ़ाएंगे जिस पे हमारी गाड़ी लग चुकी है। और अभी हम इसके सोकर खोल के और इसकी हाइट को बढ़ाएंगे। तो टायर खोल के इसके खोल लो, सोकर उतार लो इसके। कोल्टा खोल रहा है ये सोकर खोलने के लिए, खोलो भाई जल्दी से। ये बटन है ये बीच में, देखो दोस्तों कोल्टो भी खुल गया है, निकाल दिया हमने बाहर, इसको साइड में को रख दो भाई।
ये वो करके हमने बोल खोल दिए हैं। शोकर निकल रहा है पीछे होकर हाँ 2 मिनट आ गया बस। ये अब हमने शोक कर बड़ा करा लिया, अब इससे हाइट इसकी ज्यादा हो जाएगी। पकड़ बाबे गुफा में जाते हुए स्टॉपर ये हमने लगाए हैं। चल छोड़ दे, अरे हल्ले हल्ले सारा कुछ हो जाएगा। अरे कोई हमें लग गया, देख क्या चाहिए, देख लो देख लो बंद है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी अब रेडी हो चुकी है, हम आपको एक बार हाइट दिखा देते हैं गाड़ी की कितनी हाइट बढ़ी। ये पुरानी वाली डंडी है और मैं इससे एक बार दिखा देता हूँ, ये नई वाली है अभी हमने तोड़ के बना ली है। तो पुरानी वाली डंडी देखिए आप, ये जो हमने उस टाइम पे की थी ना, देखिए इसके बीच में कितना सारा गैप है, लगभग 1 इंची का गैप आ गया। और नई वाली के इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अंदर वाली है, अंदर वाली उसकी बजाय अब देखो इसको इसके साथ खड़ी कर रहे थे ये, तो काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है। और इसकी हाइट ना साइड से प्रोफाइल देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी हाइट। ये देखिए आप एक बार, ये अभी वाली तो लगभग 0.75 mm का इसमें जो है वो हाइट बढ़ गई है। और ये वाली डंडी से अभी हम ये जो पहले वाली डंडी इनको नाप लेते हैं और एडजेक्ट इसकी हम देख लेंगे, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कितने mm बढ़ गई है। ये देखिए मेरी पूरी उंगली इसके बीच में आ रही है और आराम से घूम रही है इसके बीच में से भी, ये देखिए लगभग
0.75 बढ़ गई है इसकी, इंच में अगर बात करें तो। और एमएम में अभी हम माप लेते हैं एक बार, स्केल ले लेंगे और ये देखिए, तो हम दोनों डंडियों को एक बार ले लेते हैं और मैं स्केल से लगा के देख रहा हूँ एक बार इसको। ये देखिए, ये पुरानी वाली डंडी मेरी, इसमें आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। गाड़ी को लेकर निकल लिए हैं, मैं आपको सामने का दिखा देता हूँ, ये रोड खराब है। मैं अब थोड़ा सा बेफिक्री से गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का अड़ने का कोई ऐसा झंझट नहीं है। पहले जिस गड्ढों में बिल्कुल बिल्कुल स्लो उतारनी पड़ती थी, थोड़ी सी अभी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब मेरी गाड़ी की जो हाइट है ना वो 192 मिलीमीटर है, तो काफी हाइट बढ़ गई है, काफी बढ़िया फील हो रहा है। और अब स्पीड में तो अभी मैंने नहीं चलाई है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लो स्पीड, मतलब काफी बढ़िया लग रहा है। दोस्तों देखो मेरे सामने ना काफी अच्छी हाइट का ये है, मैं आगे निकल गया थोड़ा सा, और ये इसको भी मैं बहुत आराम से। तो दोस्तों मैं हाईवे पे आ गया हूँ और जैसा कि आप देख रहे हो ये रिंग रोड पे है। मैं गाड़ी को ना काफी बढ़िया फील आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरे माइंड में था, हो सकता है हाइट के बाद अनबैलेंस हो गाड़ी, कोई कट मारने पे ऐसे कोई, जैसे मैं अभी कट मार रहा हूँ, कोई बॉडी रोल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। गाड़ी स्टेबल है और बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करना, सभी लोगों को शेयर करना, ताकि ये जिनके पास भी सेडान कार है सबके पास ये वीडियो पहुंचे। और ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, बहुत बड़ा खर्च नहीं है, थोड़े ही पैसों में गाड़ी की हाइट ऊंची हो जाएगी। जो हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बार बार, गड्ढों में लग रही है, बम्पर टूट रहे हैं, गाड़ी आमतौर पे पीछे वाले गुटके लगा के ऊंची कर देते हैं बट आगे से फिर भी नीची रह जाती है। तो जिस किसी को भी अगर गाड़ी की हाइट अच्छी करवानी है, मतलब मान के चलिए आप 20 से 22 एमएम तक ऊपर हो जाती है ये, और इतने में ना गाड़ी बहुत बढ़िया फील हो रहा है चलाने में। अभी मैं आपको बताऊं, मैं हूँ लगभग 100 से प्लस एक बार कराऊंगा, ताकि उस रोड पे तो हम 75 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। अभी हम देखते हैं 100 की स्पीड में गाड़ी का या 100 से ऊपर में कैसा बैलेंस रहेगा। गाड़ी आ गई आगे से, वैसे अभी तक मैंने विकासपुर से करनाल रोड तक में आया हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस वैसा नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप देखिए मैं 100 की स्पीड क्रॉस कर चुका हूँ, बैलेंस बहुत बढ़िया है। और मैं एक बार कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग
ज्यादा शिड्डी होगी, तो साथ में खड़े करके कंपैरिजन करने के, भाई देखना हाइट में कितना डिफरेंस लग रहा है। सबसे पहले सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, और मैं एक बार है ना आपको भी दिखाऊंगा, आगे ट्रैफिक आएगा और वहां पे ना रोड थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी है, मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ा के या नीचे उतार के एक बार देखते हैं, क्योंकि ये खुद की गाड़ी है तो इस पे टेस्ट भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक बार ये और आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी आगे चल के। अभी तो मैं कितनी हाइट है कटेगी, मैं एक बार यहां से, लेकिन अभी नहीं आगे ट्रैफिक ज्यादा है, यहीं से उतार देता हूँ एक बार, आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी। ये देखिए आसानी से इतनी हाइट को भी, साइड में रोड को देखिए आप कितनी हाइट है, और गाड़ी अड़ी नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, कोई होंडा सिटी तो नहीं आई है, एक उक्ता भी आई है सर्विस के लिए, तो इसके साथ में एक बार कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ इसकी और इसकी प्रोफाइल में। देखो होंडा सिटी अब इससे ऊंची लग रही है देखने में, और मैं एक बार साइड से भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे क्या होता है पीछे कुटकर आगे से ना नीचे ऐसे फील होती है, जो कि अब एकदम बराबर फील हो रही है, ऊंची नीची नहीं है, देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू दोस्तों।